हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो इस वीडियो में देखने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपके एग्जाम में जो यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखेगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख जाएगा सब्सक्राइब का, आप उसे ज़रूर दबा लीजिएगा। और बगल में जो आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान दिख रहा होगा तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि रक्त समूहों की खोज जो है ये किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, रक्त समूहों की खोज जो है ये कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा जो है ये किया गया था। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए दोस्तों कि रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है कि ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण की खोज जो है ये विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि देशबंधु के उपनाम से जो है किसे जाना जाता है। तो देखिए, देशबंधु के उपनाम से जो है ये चितरंजन दास को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें दोस्तों कि वर्ष 1923 में जो इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जाए कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किसने की थी, तो आपको याद रखना है कि मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और कब की थी स्वराज पार्टी की स्थापना, तो 1923 ईस्वी में की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि यक्षगान जो है ये किस राज्य का नृत्य है। तो देखिए, आपका ग्रुप डी में जो एक क्वेश्चन जरूर नृत्यों से जो है आपका जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। तो यक्षगान जो है ये कर्नाटक राज्य का नृत्य है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथकली जो है ये कहाँ का नृत्य है, तो ये आपको ये भी याद रखना है कि कथकली जो है ये केरल राज्य का नृत्य है, लोक नृत्य, ठीक है। और एक आपका आता है कथक जो है ये कहाँ का है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से जो है कौन रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है। तो देखिए, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है ये मेघनाथ देसाई है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है दोस्तों कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये भी आपको याद रखना है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं मेघनाथ देसाई और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि निषेचन के पश्चात जो है पुष्प का कौन सा भाग जो है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, निषेचन के पश्चात जो है पुष्प का जो बीजा ये अंडाशय भाग होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें दोस्तों कि बीजांड जो है ये किस में परिवर्तित होता है, तो बीजांड जो है ये बीज में परिवर्तित हो जाता है, जबकि पुंकेसर और वर्तिका ये जो है दोनों ही झड़ जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि हाल ही में जो है मिस इंग्लैंड 2019 का खिताब जो है ये किसने जीता है। तो देखिए, मिस इंग्लैंड 2019 का जो खिताब है ये भाषा मुखर्जी ने जीता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें दोस्तों कि मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता है, तो मिस इंडिया 2019 का खिताब जो है ये सुमन रॉय ने जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि संविधान सभा के जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है दोस्तों कि संविधान सभा में जो है अस्थायी सदस्य जो है ये कौन थे, तो ये भी आपको याद रखना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो आपके सचिदानंद सिन्हा थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और बात करें दोस्तों कि यहाँ पर तो अस्थायी अध्यक्ष जो है वो सचिदानंद सिन्हा थे, और जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब जो है क्या हो जाता है, मतलब तूफान की जो भविष्यवाणी की जाती है
जब अचानक कम हो जाए, जब वायुमंडल का दाब जो अचानक कम हो जाता है तब तूफान की जो है भविष्यवाणी की जाती है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि भारत के राज्यों में जो है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए भारत में राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि राज्यपाल को जो है उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि राज्यपाल को जो है उसके पद की शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि राज्य का जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है ये राज्यपाल होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है ये केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली जो है ये हाथी और बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बेसिकली जो है ये हाथी और बाघ के संरक्षण के लिए जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील नहीं है। तो देखिए आपका जो विटामिन बी और सी होता है ये जल में घुलनशील होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करें कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो ए विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। ये सब जो चारों होते हैं विटामिन वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि विट्रोल का तेल जो है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए विट्रोल का तेल जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि H2SO4 जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है। बात करें दोस्तों कि रसायनों का राजा जो है किसे कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को जो है रसायनों का राजा कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि निम्न में से जो है कौन सा कोशिका अंग जो है पाचन थैली कहलाता है। तो देखिए आपका जो लाइसोसोम होता है ये आपका पाचन थैली कहलाता है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें दोस्तों कि लाइसोसोम का जो है कार्य क्या होता है, तो इसका जो प्रमुख कार्य होता है ये बाहरी पदार्थों का जो है भक्षण एवं पाचन करना होता है। और लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आत्मघाती का थैला किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को जो है आत्मघाती का थैला कहा जाता है। बात करें दोस्तों राइबोसोम की, तो इसे जो है प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोला जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चंस पूछा जाए कि प्रोटीन का फैक्ट्री जो है किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। बात करें दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो कोशिका का बिजली घर किसे बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि उस्ताद मंसूर जो है ये किसका दरबारी चित्रकार था। तो देखिए उस्ताद मंसूर जो था ये जहांगीर का दरबारी चित्रकार था। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि राष्ट्रपति को जो है उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। तो देखिए राष्ट्रपति को जो उसके पद की शपथ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें दोस्तों कि राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि बेलाडीला खनन क्षेत्र जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए बेलाडीला जो खनन क्षेत्र है ये लौह अयस्क उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। और ये किस राज्य में है बेलाडीला खनन क्षेत्र, तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि एक पौधे की पत्ती में जो है किस प्रकार की कोशिकाओं में जो क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो पेरेनकाइमा जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है दोस्तों कि किसकी उपस्थिति के कारण जो है पेड़ की पत्तियों का रंग हरा होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो है
पेड़ में जो है पेड़ की पत्तियों का जो है रंग हरा होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और क्लोरोफिल के केंद्रक में जो है कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल के केंद्रक यानी केंद्र में जो है मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है ये कब की गई थी। तो देखिए इंपीरियल बैंक यानी इसका जो पुराना नाम है वो SBI का जो ये पुराना नाम है इंपीरियल बैंक, ठीक है। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ये 1921 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है दोस्तों कि 1 जुलाई 1955 को जो है राष्ट्रीयकरण करके जो इसका नाम SBI कर दिया गया था, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो अगर क्वेश्चंस पूछा जाए दोस्तों कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो है राष्ट्रीयकरण कब कर जो है SBI की स्थापना की गई थी, तो 1 जुलाई आपको याद रखना 1955 को जो है SBI की राष्ट्रीयकरण किया गया था। और बात करें SBI का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है। तो ये भी आपको याद रखना कि SBI का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। और आपको कमेंट में जवाब देना है दोस्तों कि वर्तमान में जो है SBI के चेयरमैन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम जो है देव नाम प्रिय भी था। तो देखिए देव नाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, ठीक है। तो ये मौर्य सम्राट अशोक का नाम जो है देव नाम प्रिय भी था। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि अल्जाइमर रोग जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए अल्जाइमर रोग जो है ये मस्तिष्क से संबंधित है, और यह जो है मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को जो है क्षतिग्रस्त होने के कारण होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यह रोग जो है अधिकतम 45 से 65 वर्षों की आयु वाले व्यक्तियों को जो है ये रोग पाया जाता है, ठीक है। अल्जाइमर रोग जो है ये 45 से 65 वर्ष तक के वर्षों के आयु वाले व्यक्तियों में जो है पाया जाता है। और इस रोग से ग्रसित मनुष्य की जो है याद रखने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि कृषि की पैदावार में जो है उल्लेखनीय योगदान हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो कृषि के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है ये आपका बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों भटनागर पुरस्कार जो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भटनागर पुरस्कार जो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बात करें दोस्तों धन्वंतरी पुरस्कार जो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये जो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को जो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा।